also Siliguri. Good morning. Good morning and welcome back to an exciting episode in Missing Asset Channel. Exciting इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज सिलीगुड़ी में ओपन हो रहा है एक बहुत ही बढ़िया सा ऑफ रोडिंग ट्रैक जिसका नाम है सिलीगुड़ी डार्ट पार्क। और अभी मैं और रैप एंड राइड का शायन दोनों मिलके वहीं पे जा रहे हैं। ये अभी हम ना यहाँ पे फुलबारी मोड़ में हैं और यहाँ से हमको ना लेफ्ट में जाना है। चलिए, वैसे तो ये डार्ट पार्क का इनॉग्रेशन 9 बजे का होना था सुबह, लेकिन हम उठे ही 9:45 और उसके बाद निकलते निकलते थोड़ा सा लेट हो गया। और अभी देखो टाइम हो रहा है 10:35 और क्या सिस्टम है, क्या क्या वहाँ पे सुविधाएं हैं, उपलब्ध हैं, वो सब आपको इस ब्लॉग से पता चलेगा क्योंकि नॉर्थ बंगाल में ये फर्स्ट ऑफ रोडिंग ट्रैक है। तो सारे नॉर्थ बंगाल पे ये जो न्यूज़ है वो फैल जाना चाहिए, है भाई, शेयर हो जाना चाहिए। माय नेम इज़ प्रणेश, सिलगुड़ी में फर्स्ट टाइम हो रहा है और ये बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हिल्स का जितना भी सिक्किम, दार्जिलिंग, इधर नेपाल, भूटान का जितना भी इधर आर पार, ये सबका कवर अप करेगा। हेलो ब्रदर, मेरा नाम रौनक, मैं सिलगुड़ी से हूँ। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो हमारे भाई लोग ने लिया है। बहुत सारे राइडर्स को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए क्योंकि डर्ट बहुत जगह पे ग्रो हो रहा है, बट एक प्लेटफॉर्म देना बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ का जो एंथुसियास्ट है इन लोगों को कम से कम एक तो सपोर्ट मिला कि अपने पास जगह है प्रैक्टिस करने के लायक। इट्स वेरी गुड थिंग। उस बालू में यू नो यू कैन गेट स्टक, लेकिन वहाँ पे हम लोग निकल तो जाते हैं बट वहाँ पे जंप हो सकता है। एकदम अच्छा ही, लेकिन जो ये लंबा जंप है उसमें वो हो रहा है, मुझे हाइट आ रहा है, ऊपर जंप हो रहा है। तो ये पहला अप्रोच है ना, तो वो तो थोड़ा डर रहेगा कि कभी किया ही नहीं, फर्स्ट टाइम करें। हम एकदम ना बेसिक से स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं, फुट पेक पोजिशन से स्टार्ट करेंगे। पैर हम लोग रखेंगे ये आर्च में, अपना पैर के नीचे जो आर्च होता है ना, तो वहाँ पे, ताकि जब भी जरूरत पड़े हम ब्रेक भी मार सके। ये फॉर एवरीथिंग, मतलब आप टूरिंग कर रहे हो, सेटलिंग कर रहे हो, मोटो क्रॉस सुपर क्रॉस में थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। इसमें आपको रियर ब्रेक का जरूरत होता ही नहीं है, बेसिकली होता ही नहीं है। तो हम लोग बेटर ग्रिप के लिए ऐसे पैर रखते हैं और टैंक को फुल ग्रिप रखते हैं इसमें, ठीक है। चलो हैंडलिंग पे आते हैं। हैंडलिंग ना कभी कॉन्शियस होकर बहुत टाइट मत पकड़ो, इतना भी ढीला मत पकड़ो कि हाथ से निकल जाए, बस इजी पकड़ो, इजी, ताकि हम आराम से कर सकें। ज़्यादा टाइट पकड़ोगे ना, इतना टर्न, इतना बेंड्स में आपका फोरम पंप अप हो जाएगा। पहले समझो फास्ट चलाना है, ज़रूरी नहीं है, सीख जाओगे अपने आप फास्ट हो जाओगे। देखना यहाँ पे नहीं है कि मैं कहाँ से जाऊँगा, किधर से जाऊँगा, हम देखना है मैं कौन से रास्ते जा रहा हूँ, मैं कहाँ से टर्न लेना, तो वो विजन क्लियर रहेगा। जैसे कि आप बड़ा टेबल टॉप अप्रोच करोगे ना, आप सामने की तरफ देखोगे कि मैं कहाँ लैंड करूँगा, तब आपका बहुत इजी हो जाएगा। नहीं, आप देख रहे हो कि मैं कैसे चढ़ रहा हूँ, फिर उसके बाद आपको अचानक से कुछ नहीं दिखाई देगा कि क्या करना है मुझे। मोटो क्रॉस या कोई भी लूज ट्रैक्शन, लूज सरफेस में पीछे का चक्का से मतलब नहीं है, वो खाली पावर जनरेट करेगा। बाइक आगे का चक्का को हम जहाँ लेके जाएगा बाइक वैसे उधर ही जाएगा। पूरा का पूरा सबको सबसे ज़्यादा ब्रेकिंग मिलता है इंजन ब्रेकिंग में, और यहाँ पर वही चाहिए। अब टर्न का बात करते हैं, सब साइंस है। 45 डिग्री लीन करके भी चला सकते हो, पैर हम लोग आगे निकालते हैं कि बैलेंस के लिए। जैसे कि इस साइड में हम इतना भी लीन करें, मेरा पैर नीचे नहीं आएगा, पैर नीचे आएगा तो टकराएगा, चक्के के नीचे जा सकता है, पैर लग गया तो बैलेंस खराब हो सकता है। तो हम लोग पैर को ऊपर रखते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लीन करके घूम सके। यहाँ पे अभी सुन लीजिए और दिमाग में रखिए, और हर चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है, और इसको ऐसे नहीं पकड़ना होता है, इसको ऐसे ऊपर से हम लोग अगर ऐसे पकड़ेंगे ना, आप लोग वहाँ से आ रहे हो भले धीरे आओ, सेकेंड गियर में ही आओ, क्लच से दूर कोई नाता नहीं है। और आप ना एक्सेलेटर से ही कंट्रोल करो, खाली एक्सेलेट करो, जितना एक्सेलेटर उतना लीन कर पाओगे। सर जितना भी बेंड्स है ना, यू टर्न वाल बना हुआ है, उसमें आप सिंपल एकदम आराम से घुसो, पेस में भी आना जरूरी नहीं है, आराम से आओ और घुसते वक्त क्लच छोड़ दो। जो भी फर्स्ट गियर में डालना है फर्स्ट गियर में डालो, लेकिन वो जो एक्सेलेटर रहेगा ना वो एक ग्रेजुअली इंक्रीज करते हुए एग्जिट करेगा, करके छोड़ दिया। जंप का अप्रोच 3-4 चीज का सिंक्रोनाइज फॉर्मूला है। फर्स्ट, टैंक का ग्रिप, पैर और टैंक का ग्रिप, ये आपका एकदम फिक्स है। इधर मैं इधर उधर कुछ भी करूं कर सकता हूं क्योंकि मेरा ये इधर मैंने लॉक कर लिया। जब हम जंप चढ़ रहे हैं ना, तो ये जो सोच लो ये फ्लैट है, ये इंक्लाइन वाला सेक्शन है, तो ये इंक्लाइन मुझे सबसे ज़्यादा थ्रॉटल देना है, जितना दे सकता हूँ उतना देना है। देने के बाद जब भी चक्का छोड़ेगा थोड़ा सा पुल करना है,
तो बाइक ऐसे जा रहा ना, पुल करने के बाद बाइक ये हो जाएगा, फिर जाके रियर व्हील में लैंड होगा। नोज डीप होगा तो वो रिस्की हो सकता है। ग्रिप टाइट रखो, आगे देखो और मेक श्योर कोई भी सीट में बैठेगा नहीं, जंप से पहले ही खड़ा हो जाएगा। जंप वहां तक है ना, कम से कम यहाँ से उसको खड़ा होना ही है। तब जो बंदा यहाँ बैठ के स्टार्ट करेगा और जो बंदा यहाँ बैठ के स्टार्ट करेगा, ये फास्ट जाएगा। गियर भी चेंज नहीं करेगा, उसी में आएगा। बॉडी शिफ्ट लीन निकला। Where do I move in this world? Could you please tell me what the hell I'm doing for? Bring me to my knees. I'm so stupid. Would you tell me honestly if I wasn't meant to be? Would I see you when I dream? Where do I move in this world? Could you please tell me what the hell I'm doing for? Bring me to my knees. I'm so stupid. Would you tell me honestly if I wasn't meant to be? Would I see you when I dream? It's a big, big world out there. Where do I move in this world? Could you please tell me what the hell I'm doing for? Bring me to my knees. I'm so stupid. Would you tell me honestly if I wasn't meant to be? What I see when I dream? Where do I move in this world? Could you please tell me what the hell I'm doing for? Bring me to my knees. I'm so stupid. Would you tell me honestly if I wasn't meant to be? So इसमें winner है, आपका नाम? दीपक। दीपक भाई का पास एकदम लास्ट में पलट गया, एकदम फिनिश लाइन से होता है भाई। इट इज लाइफ। माय YouTube चैनल नेम इज अभिषेक लामा। आई एम फ्रॉम जयगांव। सो हाउ आर यू फीलिंग? आई एम फीलिंग ग्रेट। दिस सो मच फन कमिंग हियर। एंड इफ यू गाइस लव एडवेंचर एंड मोटोक्रॉस, यू शुड डेफिनेटली बी हियर। मजा आएगा। सिलीगुड़ी राइडर, सिलीगुड़ी हो, गैंगटॉक, कालिंगपोंग, सबको आ सकते हैं वीकेंड में, है कि नहीं? मोटिवेशन और इंस्पायर करने के लिए एक फ्रेंडली मैच रखे थे, तो बहुत ही अच्छा लगा। आज जो एकदम नए नए बंदे हैं, जैसे कि मैं बुलाऊंगा मार्टिन, आदित्य और रोहित, मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था ये सब, तो भैया ने जो टिप दिया वो मस्त टिप था एकदम। उसके बाद से मोटिवेशन मिला और जाके जंप कराओ सीधा और उड़ाया। मेरा भी ये बहुत ही फर्स्ट टाइम था, आज मैं पहला बार ये सब ट्रैक पे मतलब उतरा हूँ, और भैया का जो टिप्स और नॉलेज और सब कुछ हमें जो ट्रेनिंग वेनिंग दिया वो बहुत ही काम आया। तो सब लोग आओ इधर, वीकेंड्स पे सैटरडे संडे ओपन है सबके लिए, सिक्किम हो गैंगटॉक हो ऑल टू ओपन है। काफ़ी अच्छा लगा, लाइक फर्स्ट टाइम सिलीगुड़ी में ऐसा कुछ हो रहा है, एंड
आई हैड टू गो केरला इस पर्टिकुलर डर ट्रैक के लिए. तो अब तो सिलीगुड़ी में है, वी कैन यू नो कम एनी मोमेंट एनी वीकेंड्स आ सकते हैं ना. बहुत बहुत अच्छा है हमारे लिए. थर्ड है मिस्टर रोहित, ग्रेट परफॉर्मेंस. सीख के रेस चलाना नॉट अ मैटर ऑफ जोक, बहुत बड़ा बात. सेकेंड आया मिस्टर आदित्य राज, और फर्स्ट आया अपना चैंपियन मार्टिन. कांग्रेचुलेशंस ऑल ऑफ यू. बहुत दिनों से मैं 2020 से मैंने ये मोटोक्रॉस देखने के बाद हमें एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ. उसके बाद मैं सोच रहा अपने पास तो कोई ऐसा ग्राउंड नहीं है, कोई इंस्ट्रक्टर नहीं है देने के लिए, तो हम लोग को जाना पड़ेगा साउथ में ट्रेनिंग वगैरह लेने के लिए. रिसेंटली दिस ईयर सब कुछ हो गया एज प्लान, तो ये आज दिस इज़ हैपनिंग. एंड उसके लिए हम लोग का बैक सपोर्ट एक्स कैंपेज के भैया संतुनो दे रहा है. और यहाँ पर एक ट्रेनिंग करने का बहुत दिन से प्लान था, बट देन अपॉर्चुनिटीज वॉज वेरी लेस. एंड वेन तेंजिंग कम अप विद द आइडिया ना कि वो यहाँ पे, हाँ या ही हैड कॉल्ड मी, सो लाइक ना वॉट ही दैट ही वॉन्ट्स टू ओपन अप अ ट्रैक एंड ऑल. तो तब जाके मैंने बोला कि भाई यार देर इज समथिंग न्यू दैट दिस टाइप ऑफ ट्रैक इज नीडेड इन दिस एरिया. और तब हम लोग सोचे कि ना ओनली ट्रैक ओपन नहीं करेंगे, लाइक विल ट्रेन देम ऑल्सो. ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि नॉर्थ बंगाल में फर्स्ट टाइम ये ट्रैक बना. भले मैं तो इसी प्रोफेशन से हूँ और इंडिया में बहुत सारा जगह मैं जाता हूँ बनाता तो हूँ, ये मेरा चलता है, लेकिन अपना मतलब बंगाल में या नॉर्थ बंगाल में फर्स्ट टाइम हो रहा है ना, तो ये बहुत लोगों को मतलब जो यंग एज है जो बाइकर्स हैं सबके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा. करेज ऑल द बाइकर्स ऑल द राइडिंग राइडर इंथुजियस्ट. तो विल डिसाइड लेटर ऑन कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, है ना. हाँ जी. अभी तक डिसाइडेड ना, अभी डिसाइड नहीं हुआ. पहले ट्रैक है बना हुआ है, आओ एंजॉय तो करो, पहले एक्सपीरियंस तो करो. सो अभी जो भी आ रहे राइडिंग गियर मस्ट है. हाँ राइडिंग गियर्स मस्ट है. राइडिंग गियर्स जो जिसके पास कुछ मतलब थोड़ा बहुत नहीं है वो बेसिकली कुछ बेसिक राइडिंग गियर्स हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन अगर सारा चीज़ है तो वेल एंड गुड.